हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एटीएम बन के तथा हस्तियां। उसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तीसरा वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग जो है दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी पार्ट वन और पार्ट टू को नहीं देखे प्लीज आप लोग जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों उन दोनों वीडियो में हम लोगों ने जो है मौर्य के बारे में, हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ, फिर इसका पतन कैसे हुआ, फिर दोस्तों हम लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इन छोटी छोटी चीजों के बारे में हम लोग जो है पार्ट वन और पार्ट टू में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट थ्री में जो है शिल्प उत्पादन के बारे में पढ़ने वाले हैं। शिल्प उत्पादन का मतलब क्या होता है पहले आप थोड़ा सा वो समझिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले के जमाने में जो है कोई भी मशीन वगैरह नहीं होता था, उद्योग वगैरह फैक्ट्री वगैरह नहीं होता था, तो लोग जो है अपने हाथ का प्रयोग करके, यानी कि हस्तकला जिसको हम लोग बोलते हैं, हाथ का प्रयोग करके अनेक तरह की चीजें बनाते थे, उसी को दोस्तों शिल्प बोला जाता है। और उन्हीं चीजों का प्रयोग करके जो है कई चीजों का उत्पादन करते थे, उसी को शिल्प उत्पादन बोला जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग शिल्प उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे बाट के बारे में। बाट मतलब क्या था, वजन, यानी कि नाप तोल कैसे किया जाता था। फिर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्यापार वगैरह कैसे होता था, लोग अपना जीवन बसर कैसे करते थे हड़प्पा सभ्यता में, उन्हीं चीजों के बारे में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग, यानी कि पार्ट थ्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनिए, और जो भी वीडियो को नहीं देखे पार्ट वन पार्ट टू को आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसके बाद इंपोर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को करेंगे, आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चित हो जाइए। तो जो भी पार्ट वन पार्ट टू को नहीं देखे देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग शिल्प उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं शिल्प कार्य का मतलब क्या होता है। शिल्प कार्य का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना। शिल्प से जुड़े कार्य का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मनके बनाना, अब मनके क्या होता है आपको आगे समझ में आ जाएगा, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, धातु से जुड़े मतलब लोहा से, अल्मोनियम से। उस समय तो वैसे लोहा नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। अगर आपको प्रश्न पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु नहीं पाया जाता था, तो दोस्तों वो है लोहा। ठीक है, बाकी सोना चांदी तो सभी तो धातु है ना, तो धातु से जुड़े काम करना और मोहरे बनाना, तो मोहर का मतलब तो आपको समझ में आता ही है। तो ये मोहर जो बनाया जाता था कैसे, हाथ से ही तो बनाता था, जी हाँ, तो उसी को मोहरे बनाना बोला जाता था। तो शिल्प उत्पादन के अंतर्गत जो है ये सभी काम आते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि शिल्प उत्पादन का मतलब होता है क्या है। तो मैंने आपको सिंपली में बताया कि अपने हाथ का, अपने हैंड का प्रयोग करके लोग जो है कई तरह का चीजें बनाते थे, उसी को मतलब कि चीजें बना करके उत्पाद करते थे, उत्पादन करते थे, उसी को शिल्प उत्पादन बोला जाता है, यानी कि शिल्पा प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए शिल्प का अर्थ होता है हस्तकला या दस्तकारी। इसी तरह हस्तकला और दस्तकारी, या तो हस्तकला भी बोल सकते हैं या फिर दस्तकारी भी। ठीक है, तो शिल्प का जो अर्थ होता है वो रियल में क्या होता है, हस्तकला या दस्तकारी। इसी तरह से जो उत्पाद का अर्थ है वैसा उत्पाद जिसमें हस्तकला अर्थात हाथ से जीवन उपयोगी, यानी कि हम लोगों का जीवन में उस समय का जो जीवन था उनके जीवन में जो उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता था अर्थात उत्पादन किया जाता था, उसे ही शिल्प उत्पादन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपली में अगर समझे हम लोग तो हस्तकला अर्थात हाथ से जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण अर्थात उत्पादन किया जाता था, उसे ही शिल्प उत्पादन कहते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं शिल्प उत्पादन का मतलब तो समझ में आ गया। अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो जो शहर है, सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका खोज किसने किया था दोस्तों, आर डी बनर्जी ने, यानी कि रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, यानी कि मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो रखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। ये जो मोहनजोदड़ो शहर है वो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। कितना, 125 हेक्टेयर क्षेत्र में ये मोहनजोदड़ो शहर जो है आपका फैला हुआ था। ठीक है, इसी के अंदर जो है एक बस्ती थी जो कि 7 हेक्टेयर जगह पर फैला हुआ था, 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ था, जहां पर दोस्तों ये जो 7 हेक्टेयर जमीन है ये पूरे जमीन पर शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। तो समझ में आ गई आपको शिल्प उत्पादन का मतलब, यानी कि 125 हेक्टेयर जो जमीन है वो मोहनजोदड़ो में फैला हुआ था, मोहनजोदड़ो शहर के अंदर में एक बस्ती थी जो कि 7 हेक्टेयर जगह पर 7 हेक्टेयर जमीन को लेकर के था, और वहीं पे जो है शिल्प उत्पादन होता था। ठीक है, शिल्प उत्पादन में जो है मनके, मनके का मतलब हो गया माला या मोती। तो अगर आपको पूछे मनके बनाना, ईट या मनके, जैसे कि ईट का मतलब तो ईट हो गया, मनके मतलब क्या हो गया, माला और मोती। ठीक है, और शंख की कटाई, धातु कर्म हो गया, मोहर हो गया, बाट का निर्माण, बाट मतलब यानी कि जैसे हम लोग किलो वगैरह, आज के किलोग्राम वगैरह यूज करते हैं ना, तो उसी समय वजन करने के लिए बाट, उसको उसी को बाट बोला जाता था, वजन को ही बाट बोला जाता था। ठीक है, तो इसका निर्माण किया जाता था। तो अगर आपको प्रश्न पूछे
किसी उत्पादन में कौन कौन चीज का निर्माण किया जाता था, तो दोस्तों मनके का निर्माण किया जाता था, शंख की कटाई, धातु कर्म, मुहर तथा बाट का निर्माण किया जाता था सिल उत्पादन में, यानी कि हाथ का प्रयोग करके, हस्तकला का प्रयोग करके। ठीक है, मनके बनाने के लिए जो है कार्नेलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदर लाल रंग का जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलघड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कासा तथा सोने जैसे धातुएं इत्यादि का उपयोग होता था। यानी कि अगर आपको पूछे मनके बनाने के लिए कौन कौन चीज का प्रयोग होता था, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, तो मनके बनाने के लिए जो है कार्नेलियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुंदर लाल रंग, क्या बोलते हैं, सुंदर लाल रंग, उसके बाद आपका हो गया क्वार्ट्ज हो गया, सेलघड़ी हो गया, जैसे पत्थर, तांबा, कासा हो गया, सोने हो गया, ये सभी धातु का जो उपयोग करके है मनके को बनाया जाता था। ठीक है, मनके का जो आकार है वो चक्राकार होता था, बेलनाकार भी होता था, गोलाकार भी होता था, ढोलाकार भी होता था और खंडित भी होता था। तो अगर आपको मनके का आकार के बारे में पूछा जाए तो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित होता था। ठीक है, सेलखड़ी का एक जो है, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए सेलखड़ी जो है वो किस प्रकार का पत्थर था, तो दोस्तों आपको आंसर क्या लगाना, मुलायम। सेलखड़ी जो है एक प्रकार का मुलायम पत्थर था, VBI आपको पूछा जा सकता है, सेलखड़ी जो है वो मुलायम पत्थर था। ठीक है, अब देखिए आगे, कार्नेलियन का जो लाल रंग है वो पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन की विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि कार्नेलियन का जो लाल रंग है वो पीले रंग के जो कच्चे माल है उसी को जो है गर्म करके आग में पका करके ये जो है कार्नेलियन का लाल रंग को प्राप्त किया जाता था। ठीक है, किसको, लाल रंग को। अब आगे देखिए, चंद्रहुद्रो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा, ये सभी जगह का नाम है। कहां पर, हड़प्पा सभ्यता में एक जगह थी चंद्रहुद्रो, एक था लोथल, एक था आपका धोलावीरा। ठीक है, लोथल और धोलावीरा जो है वो कहां पर है, गुजरात में। प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि लोथल और धोलावीरा जो है वो कहां पर है, गुजरात में। तो चंद्रहुद्रो हो गया, लोथल हो गया और धोलावीरा हो गया, ये सभी से जो है छेद करने की विशेष उपकरण मिले थे। यानी कि छेद करना मतलब छिद्र करना, होल करना, तो इनका यानी कि छेद करने के लिए जो है विशेष यंत्र यानी कि औजार जो है वो कहां से मिला था, चंद्रहुद्रो से मिला था, लोथल से मिला था और धोलावीरा से मिला था। ठीक है, नागेश्वर तथा बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप था, यानी कि समुद्र तट के जो है नजदीक था, जो कि संघ से बनी वस्तुओं, चूड़ियां, कर्चियां, पिचकारी इत्यादि वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र था। ठीक है, तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि आपका वस्तुओं हो गया, चूड़ी हो गया, कर्चिया हो गया, पिचकारी हो गया, ये सभी का जो विशिष्ट केंद्र है यानी कि जो उसका उत्पादन है वो कहां पर होता था, तो ये नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्तियों में होता था, जो कि समुद्र के नजदीक में, एकदम उसी के नजदीक में स्थित था। ठीक है, चंद्रहुद्रो और लोथल जैसे तैयार माल, यानी कि चंद्रहुद्रो और लोथल से जो तैयार माल है, जैसे कि मनके हो गया, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों केंद्रों तक लाया जाता था। ठीक है, तो जो ये आपका मनके था, यानी कि मोती, हार, हीरा, मतलब ये जितना भी जो चीज था वो चंद्रहुद्रो और लोथल से तैयार होता था, और तैयार होने के बाद जो है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरों केंद्रों तक लाया जाता था। तो चीजें आपको समझ में आ गई सिल उत्पादन के बारे में, यानी कि हाथ का प्रयोग करके जो है लोग कैसे कैसे उत्पादन करते थे, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान, यानी कि शिल्प उत्पादन का जो केंद्र है वो कहाँ कहाँ पर था, इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातात्विक का मतलब यानी कि जो इतिहास का खोजबीन करते हैं उसी को पुरातात्विक बोला जाता है। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातात्विक प्रस्तर पिंड तथा तांबा एस्क जैसा कच्चा माल, औजार तथा कूड़ा करकट को केंद्रित करते थे। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन के केंद्रों की जो पहचान करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, सबसे पहले पिंड यानी कि पिंड मतलब वस्तु तथा तांबा एस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको पता है ना बॉक्साइट से अल्मोनियम का प्राप्त होता है, आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा होगा, हेमेटाइट, लिमोनाइट, इनसे जो है लोहा का प्राप्त होता है, तो ये अयस्क से ही जो है हम लोगों को धातु का प्राप्ति होता है। ठीक है, धातु का प्राप्ति किससे होता है, अयस्क से। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि प्रस्तर पिंड तथा तंब तांबा अयस्क जैसा जैसे कच्चा माल हो गया, औजार हो गया, कूड़ा करकट हो गया, तो इन्हीं से जो है एक प्रकार का केंद्रित होता था, पता लगाया जाता था। ठीक है, किससे, कच्चा माल से, कूड़ा करकट से और किसी औजार से। आगे देखिए, कूड़ा करकट जो है वो शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है, यानी कि हम लोगों को जो शिल्प कार्य के बारे में पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में जो है शिल्प कार्य होता था, यानी कि हाथ का प्रयोग करके लोग जो है अनेक तरह तरह की चीजें बनाते थे, तो वो हम लोगों को ज्यादातर कैसे पता चला,
कूड़ा करकट से। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि शिल्प कार्य का सबसे अच्छा संकेतों में से एक कौन है, तो वो है कूड़ा करकट। ठीक है, इसमें जो है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े सम्मिलित थे जो कि शिल्प उत्पादन को संकेतित करते थे। तो ये जो कूड़ा करकट है उसमें क्या होता था, छोटे छोटे पत्थर होता था, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते थे, जिससे हम लोगों को पता चला यानी कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था। इसी चीज को जो है संकेत करता था ये छोटा छोटा टुकड़ा। ये टुकड़े इस ओर भी संकेत करते थे कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में भी शिल्प का उत्पादन होता था। और ये क्योंकि ये जो टुकड़ा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी प्राप्त हुआ, तो इससे ये भी पता चल गया कि जो शिल्प उत्पादन जो है वो कहां पर होता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी होता था। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, यानी कि माल प्राप्त जब करता था तो उस समय कौन कौन सा पॉलिसी था, क्या क्या नियम वगैरह था, कानून वगैरह था, इसको हम लोग समझते हैं। सिल उत्पादन के लिए कई प्रकार की कच्चे माल का प्रयोग होता था। सिल उत्पादन के लिए जो है कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। आपको पता है कोई भी चीज का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि दो तीन चीज चाहिए कोई भी फैक्ट्री का स्थापना करने के लिए, सबसे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होनी चाहिए, कच्चे माल की पूर्ति वहां पर होनी चाहिए, बेचने के लिए बाजार होनी चाहिए। ये दोनों चीज अगर हो गया फिर आप अपना फैक्ट्री बैठा सकते हैं। तो वही है, कोई भी चीज का अगर आप उत्पादन करेंगे तो आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। तो यही वही बात यहाँ पर बताया जा रहा है कि सिल उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, यानी कि वहीं पर जो है मिट्टी जो है उपलब्ध था, लेकिन अन्य जैसे कि पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, धातु हो गया, ये सभी जो है कहां से, बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। ठीक है, सिल उत्पादन के लिए कच्चा माल को सिंधु तथा इसकी उप नदियों के बगल में बड़े नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि सिल उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है वो कैसे लाया जाता था, तो आपको आंसर क्या देना है, सिंधु नदी से भी लाया जाता था और इसकी जो उप नदी थी उसी के बगल से मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग करके जो है सिल उत्पादन के लिए कच्चा माल को लाया जाता था। ठीक है, तो माल प्राप्त करने संबंधी नीति आपको समझ में आ गई। आगे हम लोग समझते हैं उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि उपमहाद्वीप हो गया और उसके उससे आगे आने वाला जो माल है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, हड़प्पावासी उत्पादन के कच्चा माल के लिए कई तरीके अपनाए, जैसे कि नागेश्वर तथा बालाकोट में शंख जो है वो आसानी से उपलब्ध था, तो वहां बस्तियां जो है स्थापित की। ठीक है, तो हड़प्पावासी उत्पादन के कच्चा माल के लिए जो है कई तरीके अपनाए गए, जैसे कि नागेश्वर तथा बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था तो वहां बस्तियां जो है स्थापित की। ठीक है, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी राजस्थान की क्षेत्रीय अंचल, जिसको हम लोग बोलते हैं तांबे के लिए, तथा साउथ इंडिया सोना के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजे। यानी कि आप सिंपली समझिए, क्षेत्रीय अंचल यानी कि जो तांबा के लिए जो है किसका, राजस्थान का, और सोना के लिए जो है साउथ इंडिया का, वहीं पर एक प्रकार का अभियान भेजा प्लानिंग बना करके कच्चा माल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि दूर से जो है दूर की जगहों से कैसे कैसे संपर्क रखते थे हड़प्पावासी लोग, उनको हम लोग समझते हैं। तो आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है कर लीजिए। ठीक है, और आपके जितने भी दोस्त हैं जो भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं किए, तो प्लीज अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी को बोलिए तैयारी शुरू कर दे। जितना जल्दी आप लोग तैयारी शुरू कीजिएगा, आप लोग की जो तैयारी है उतनी अच्छी होगी। ठीक है, और शुरू से जो पढ़िएगा दोस्तों वही अच्छा नंबर लेके आप ले आ पाइएगा। तो प्लीज अब आप लोग सीरियस हो जाइए, अच्छे से कम क्लास को अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं उसको बताइए कि क्लास को अपना शुरू करें और इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि दूर के क्षेत्रों से कैसे संपर्क रखते थे। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजों से यह संकेत देती है कि संभवतः तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था, यानी कि इतना दूर है ओमान। तो यहाँ पर हाल ही में, यानी कि हाल ही में ये बात पता चला है पुरातात्विकों से, यानी कि जो इतिहासकार जो इसका खोजबीन कर रहा है, ठीक है, उसी से पता चला है कि तांबा हो गया अरब प्रायद्वीप के जो है ये कहाँ से लाया जाता था दोस्तों, ये जो है ओमान से लाया जाता था। कहाँ से, ओमान से। अगर प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो किससे था, तो वो ओमान से भी था, सिर्फ चीन से नहीं था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है वो किस देश से नहीं था, तो वो है चीन से। ठीक है, बाकी ओमान वगैरह इन सभी देशों से था। और आगे देखिए, रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। और हम लोगों को कैसे पता चला कि जो तांबा है वो ओमान से लाया जाता था, बस इसी प्रकार से, कैसे, रासायनिक विश्लेषण दर्शाता है, यानी कि रासायनिक जो लैब है उसी से पता चला है कि जो ओमानी तांबा है वो हड़प्पाई पुरावस्तुओं, यानी कि जो तांबा यहाँ पर है यानी कि हड़प्पा में, वो दोनों तांबा एकदम सेम टू सेम मिलता है। इसी से हम लोग को पता चला है कि ये जो है, यानी कि जो तांबा है वो कहां से लाया जाता था, ओमान से। ठीक है,
हरप्पाई मर्दबान जिसके ऊपर काले मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिला है, ठीक है। और हरप्पाई जो मर्दबान था, मर्दबान जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां पर मर्दबान शीशा वगैरह का होता है ना, बहुत तो अचार वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो हरप्पाई जो मर्दबान था जिसके ऊपर काले मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी, ये जो है आपका ओमानी स्थलों से मिला था। यानी कि यह नहीं पता कि इसमें क्या रखा था, लेकिन ये मिला कहाँ से था, ओमानी स्थल से। तो इससे भी पता चलता है कि हरप्पा का जो संबंध है वो कहाँ से था, वो ओमान से था, ठीक। ओमान एक देश का नाम है। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो कि संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, ठीक है। यानी कि मेसोपोटामिया के जो लेख थे, लेख मतलब तो आपको समझ में आएंगे ना, एक प्रकार का प्रूफ, तो वहां पर जो है ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है क्या, मगान। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मेसोपोटामिया में ओमान का क्या नाम है, तो आपको क्या लिखना है, मगान, ठीक है। ओमान का नाम वहां पर क्या लिखा हुआ है, मगान, कहां पर, मेसोपोटामिया के लेखों में, ठीक है। आगे देखिए, मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकेल के अंश मिले हैं। और मेसोपोटामिया जो स्थल है, मेसोपोटामिया जो एक स्थल है हड़प्पा सभ्यता के अंदर, वहां से भी जो है तांबा का कोई, यानी कि जो तांबा है उसी का छोटा सा अंश वहां पर भी मिला है, ठीक है। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हरप्पाई मुहरे बाट पासे तथा मनके शामिल है, ठीक है। यानी कि लंबी दूरी की, जैसे कि आज के जमाने में हम लोग पासपोर्ट का प्रयोग करते हैं एक देश से दूसरे देशों के देशों में जाने के लिए, तो वैसे ही उस समय जो है लंबी दूरी तय करने के लिए, लंबी दूरी से मतलब कि लंबी दूरी से संपर्क करने के लिए और संकेत के लिए कि आप कौन सा देश से आए, कहाँ से आए, इन चीजों को बताने के लिए जो है पुरातात्विक खोजों में हरप्पाई मुहरे, किसका, हरप्पाई मुहर, मुहर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बाट, बाट मतलब क्या हो गया, वजन करने वाला, वजन यानी कि वेट, ठीक है। और उसके बाद मनके, मनके मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया अभी, हीरा वगैरह आपको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मतलब कि हार वगैरह बोल सकते हैं, हीरा मोती कुछ भी बोल सकते हैं, ये हो गया आपका मनके। तो इसी ये तीन चार चीज से हम लोग को पता चलता था लंबी दूरी के मतलब के लिए इन चीजों का प्रयोग किया जाता था, और इन्हीं चीजों से पता चलता था कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ पर पहले देख लीजिए, मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई क्या बताते हैं, मेसोपोटामियाई कहते हैं, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सच में आपका यह प्रश्न अगर आपको पूछ दे ये प्रश्न, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप लोग प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपको पूछे मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का क्या कहा जाता है, देश कहा जाता है, किसका, नाविकों का। इसके अलावा मोहरों पर जहाजों तथा नावों का चित्रांकन पाया गया, ठीक है। तो मोहरों पर जो है एक आपका जहाज और एक नाव का चित्रांकन पाया गया है, किसमें, मोहर में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया, सिल उत्पादन के बारे में, सुदूर क्षेत्रों से कैसे कैसे संपर्क होता था, फिर कैसे कैसे उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाले कच्चा माल, इन छोटे छोटे चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, आपको पांच नंबर का यहाँ से भी आपको पूछा जाता है, देखिए मोहर के बारे में पढ़ेंगे, लिपि के बारे में, बाट के बारे में। मोहर मतलब तो मोहर आप लोग समझ गए, लिपि मतलब जो पहले जमाने में कोई दीवार में लिख दिया, कोई पेज में लिख दिया, कोई पत्थर में लिख दिया, ठीक है, तो वो हो गया आपका लिपि। और बाट मतलब हो गया वजन, ठीक है। देखिए मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। यानी कि एक मोहर का प्रयोग, एक मुद्रांकनों का जो प्रयोग है वो किस लिए होता था, लंबी दूरी के संपर्क जो होते थे उसी को आसानी करने के लिए। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जब जाता था तो लोग सोचता था हमको पहचानेगा नहीं पहचानेगा, या फिर प्रूफ के लिए तौर पर जो है मोहर का प्रयोग होता था या फिर मुद्रांकनों का प्रयोग होता था। तो लंबी दूरी के संपर्कों को आसानी करने के लिए जो है इसका प्रयोग होता था। मुद्रांक से परेशक की पहचान का भी पता चलता था, किसका, मुद्रांक से जो है परेशक यानी जो जो इसको यूज करते थे उसका भी पता चलता था कि ये जो है कहाँ से आया है, ठीक है। अब एक रहस्यमय लिपि, यानी कि अब हम लोग लिपि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सामान्यतः हरप्पाई मोहरों पर जो है एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम वो पदवी को दर्शाता है, ठीक है। एक लिपि, क्योंकि आपको पता है कहीं पे भी ये लिपि वगैरह लिखा हुआ होता था, ठीक है, तो ऐसे पता अनुमान तय यानी कि अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि एक संभवतः एक मालिक का नाम और उसके पदवी यानी कि वो कौन सा पद पर था उस चीज को बताता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र जो है अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। और क्या विद्वानों ने यानी कि जो विद्वान है वो ये भी तर्क दिया है कि जो जाहिल लोग हैं यानी कि जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं तो उन लोगों के लिए जो है सांकेतिक रूप से इसका अर्थ है यानी कि चित्र वगैरह होगा तो वो जल्दी पहचान जाएगा, ठीक है। अधिकांश अभिलेख जो है वो संक्षिप्त है, सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 चिन्ह है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि जो सबसे लंबे अभिलेख है उसमें लगभग कितना चिन्ह है, कितना सिंबल है, सबसे अभिलेख, अभिलेख का मतलब मैंने आपको बताया था जैसे कि कोई चीज को लिख करके रख देना, रिकॉर्ड कर लेना, एक प्रकार का लिख करके डायरी जैसे लिख करके रख देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है दोस्तों आपका अभिलेख, ठीक है। तो सबसे लंबे अभिलेखों में जो है चिन्ह कौन सा है, आपका टोटल 26 चिन्ह है,
सबसे अधिक सबसे लंबे अभिलेख में टोटल आपका 26 चिन्ह है। हालांकि यह लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है और अभी भी बहुत सारा लिपि ऐसा है जो कि अभी भी पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद निश्चित रूप से जो है वर्णमालीय नहीं थी, इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच है, ठीक है। तो चिन्हों की संख्या जो है कितना है, 375 से लेकर के 400 के बीच है। आगे हम लोग देखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि जो है दाएं और बाएं लिखी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो लिपि है आपका वो दाएं और बाएं लिखी जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग को बताया, ये चीज ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप लोग उर्दू राइटिंग तो जानते हैं, तो उर्दू राइटिंग कैसे लिखा जाता है, दाएं तरफ से लिखा जाता है। जैसे हिंदी और इंग्लिश जो है आपका हिंदी और एक आपका इंग्लिश जो है वो आपका बाएं तरफ से लिखा जाता है, तो उर्दू जो राइटिंग है दोस्तों आपका दाएं तरफ से लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा मालूम होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि था, जो लिखावट था, जो अक्षर था, वो भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, समझ गए। और एक चीज यहाँ पर, इनकी चिन्हों की संख्या किनकी, यानी कि जो अभिलेख है, यानी कि जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो पहले के जमाने में जो लिखा जाता था उसी को अभिलेख बुलाया जाता है, जो प्रूफ के तौर पर एक प्रकार का रिकॉर्ड था उसी को अभिलेख बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये जो अभिलेख है उसके कई चिन्ह है, लगभग 26 चिन्ह है, हालांकि आज तक इसको पढ़ा भी नहीं जा सका, ठीक है। और इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400, समझ रहे हैं, यानी कि चिन्हों की संख्या कितना, लगभग 400। जैसे कि आज हम लोग टोटल कितना है, 26 लेटर है, तो उसी तरीके से उस समय 400 था मतलब कि ये चिन्ह, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बाट के बारे में, यानी कि वजन के बारे में। तो विनय में बाटों की एक जो है सूक्ष्म या फिर बोल सकते हैं परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे, यानी कि विनिमय मतलब क्या हो गया, विनिमय करना, मतलब आपको 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, 10th क्लास का इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, यानी कि एक समान हम आपको गेहूं देंगे तो आप हमको चावल दीजिएगा, ठीक है। हम आपको गेहूं दिए तो आप हमको क्या दिए, चावल दिए, तो ये आपका विनिमय हो गया, यानी कि आदान प्रदान, एक दूसरे को देना, ठीक है। तो यही है विनिमय। तो विनिमय यानी कि एक दूसरे को देने का जो है सूक्ष्म या फिर परिषद जो प्रणाली था वो नियंत्रित था किसके, इसमें बाट में, यानी कि वजन में। आगे हम लोग समझते हैं, यह बाट जो है वो सामान्यतः चर्क नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, ये जो बाट है यहाँ पर आपका बाट लिखा हुआ, बाट मतलब वजन, जिससे हम लोग को पता चल, उस समय उन लोगों को पता चलता था, तो ये जो है किससे बनाए जाते थे, चर्क नामक पत्थर, उस पत्थर का नाम क्या था, चर्क। तो ये जो है चर्क नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार तथा निचले मानदंड द्विधाकारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, ठीक है। तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे पहला कि ये किससे बनाए जाते थे, तो चर्क नामक पत्थर से बनाए जाते थे और यहाँ पर जो है कोई भी चिन्ह नहीं होता था, कोई भी निशान वगैरह नहीं होता था, ठीक है। इसके बाद निचले मानदंड, यानी कि दो मान, एक नीचे और एक ऊपर होता था, तो निचले मानदंड जो है वो द्विधारी होते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि टोटल 12,800 थे इस तरह करके, ठीक है। और वहीं पे जो ऊपरी मानदंड था वहां पर दशमलव में जो है इसका प्रयोग किया जाता था, दशमलव प्रणाली में अनुसरण करते थे। अब छोटे बाटों का जो प्रयोग है, छोटे बाटों मतलब छोटे बाट मतलब वजन, ठीक है। तो वजन करने के लिए जो है छोटे वजन, छोटे बटखरा या फिर बोल सकते हैं छोटे किलोग्राम, तो उसका जो प्रयोग है वो आभूषणों, यानी कि ज्वेलरी वगैरह, जो जेवरात बनाता है ज्वेलरी बनाता है, ठीक है। उसके बाद मनकों को, मनको मतलब वही हार मोती वगैरह ये सब चीज हो गया, उसकी इसी को मापने के लिए किया जाता था। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आभूषणों और मनकों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब हम लोग आगे समझते हैं प्राचीन सत्ता के बारे में, आपका VVI ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राचीन सत्ता क्या होता है। देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें लागू करने के संकेत मिलते हैं, यानी कि उस समय भी जो है जटिल फैसला लिया जाता था और उन्हें लागू भी किया जाता था, इसका भी संकेत हम लोगों को प्राचीन सत्ता के, यानी कि उसके बारे में पता चलता है कि वहां भी जो है फैसले भी होते थे और उन्हें लागू भी किया जाता था। अलग अलग कारणों से बस्तियां जरूरत के अनुसार स्थापित की गई। इसके अलावा ईटा बनाने और विशाल दीवार यानी कि बड़े दीवार तथा चबूतरे का निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया, ठीक है। तो इसी से हम लोग को पता चला कि वहां पर जो है अलग अलग जटिल फैसले, जैसे कि आज होता है ना जज में, कोर्ट में फैसला वगैरह होता था और लागू भी किया जाता था कोई कारण को, कोई फैसला को, जैसे अब यहाँ बोल देगा कि 144 जो है यहाँ पर लागू हो गया, तो 144 अगर कोर्ट लागू कर देगा यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली में, तो इसका मतलब क्या हो गया, लागू हो गया बिहार में, पटना में, जहां भी हो। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, 144 लागू होने का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे भी जो है भीड़ नहीं जमा हो सकती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो है इन तरह का जटिल फैसला भी होता था और इनको लागू भी किया जाता था। ये चीज हम लोगों को कैसे पता चला, ये चीज पता चला अतिरिक्त ईटा बनाने और विशाल दीवार यानी कि बड़े बड़े दीवार तथा
चबूतरे का निर्माण के लिए जो है श्रम संगठित किया गया था, इसी से हम लोगों को इनके बारे में पता चला। ठीक है, इन सभी क्रियाकलापों को कौन संभालता था आगे हम लोग समझते हैं, यानी कि ये जो क्रिया होता था प्राचीन सत्ता के बारे में, बाट के बारे में, फिर आपका आगे हम लोग देखें मोहर के बारे में, इन सभी चीजों का जो मतलब कि एक प्रकार का देखभाल है वो कौन करता था, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग समझते हैं प्रसाद तथा शासक, यानी कि शासक ही इनका प्रयोग करता था। अब शासक जो है हड़प्पा सभ्यता में कौन होते थे उसको समझते हैं। देखिए, सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं, यानी कि जो इतिहासकार है वो हमें ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं देता है, सत्ता के केंद्र के बारे में, यानी कि राजनीति जो सत्ता के जो अधिकार करते थे, जो राजा होते थे उस समय के, उसके बारे में, यानी कि जो सत्ताधारी होते थे उनके बारे में जो पुरातात्विक यानी कि जो इतिहासकार है वो हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं देता है। ठीक है, पुरातात्विदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, यानी कि पुरातात्विदों ने जो है यानी कि इतिहासकारों ने जो है मोहनजोदड़ो में उसको एक जगह मिला, विशाल भवन, बहुत बड़ा घर मिला, तो उसी को जो है उन लोगों ने किसका संज्ञा दिया, प्रसाद की। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि जो है मतलब कि कौन से जगह को मोहनजोदड़ो के कौन से जगह को किस चीज का संज्ञा दिया गया, तो दोस्तों जो पुरातात्विदों ने जो है मोहनजोदड़ो में एक घर मिला था, विशाल भवन, यानी कि बहुत बड़ा घर मिला था, जिसको प्रसाद की संज्ञा दी, किसने, पुरातात्विदों ने, यानी कि इतिहासकार ने। ठीक है, एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, एक पत्थर की मूर्ति थी तो उसी को जो है पुरोहित राजा, किस क्या पुरोहित राजा करके बुलाया गया, यह नाम जो है आज भी प्रचलित है। ठीक है, जो लोग हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। ठीक है, तो जो भी हड़प्पा सभ्यता के जो अनुष्ठान होते थे उनका जो भी निष्पादन करता था उन्हीं के पास जो है राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातात्विक का कहना है, यानी कि कुछ इतिहासकार का कहना है कि हड़प्पाई जो समाज है वहां पर शासक बिल्कुल नहीं थे, वहां पर शासक नहीं थे, सभी की जो सामाजिक स्थिति है वो समान थी, यानी कि सब लोग एक समान थे, कोई भी शासक वगैरह नहीं था। और कुछ पुरातात्विक का कहना है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि के अलग अलग राजा होते थे। ठीक है, तो ये देखिए कोई भी चीज़ है बहुत आज से कई हजार साल पहले का बात है तो 100% तो सही नहीं हो सकता है। तो कुल पुरातात्विकों का क्या कहना है कि वहां पर जो है क्या है हड़प्पाई समाज में कोई भी शासक नहीं होता था, और किसी का कहना है कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, यहाँ पर अलग अलग राजा होते थे। समझ रहे, मतलब कि कोई बोलता है अलग अलग शहर में अलग अलग राजा, और कोई बोलता है कि कुछ भी नहीं होता था, सब कुछ समान रहता था। अब हम लोग देखते हैं अतीत को अर्थात बीते हुए परिघटना को जोड़कर पूरा करने की समस्या। अब देखिए, यानी कि जो बीता हुआ जो घटना है उसको देख करके हम लोगों को अभी क्या समस्या का सामना करना पड़ा है, हम उसको देखेंगे। हड़प्पाई लिपि से प्राचीन सभ्यता यानी कि एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए कोई सहायता नहीं मिलती है, यानी कि जो हड़प्पाई लिपि जो है उनकी उनसे उनका प्रयोग करके हम लोगों को कोई भी प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। समझ रहे, यानी कि इतना हार्ड लैंग्वेज, इतना हार्ड भाषा का प्रयोग किया गया है, हार्ड लिपि का प्रयोग किया गया है, जिससे हम लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं मिलता है हड़प्पाई लिपि से। खोजे प्रारूप की बाजार संयोगिक होती है, प्रारूप का अर्थ होता है नमूना, प्रारूप का अर्थ क्या होता है नमूना, अर्थात टिपिकल तथा संयोगिक का अर्थ संयोग से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाता है, हड़प्पा सभ्यता में मनके जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसके बाद जो है ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लीज जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा अभी तक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा, जितने भी लोग अभी तैयारी नहीं शुरू किए प्लीज उसको बता दीजिए, जल्द से जल्द वो तैयारी शुरू करें। ठीक है, देखिए ये आपका पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री आपका खत्म हो जाएगा, पार्ट वन पार्ट टू ऑलरेडी है, जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, पार्ट थ्री आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे यानी कि एमसीक्यू को करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते थे, वीवीआई प्रश्न आपका, मनके जो है वो सिलखरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो अगर आपको प्रश्न पूछे मनके जो है वो कौन से पत्थर से बनाए जाते थे, तो सिलखरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके जो है वो कर्नेलियन नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे, मैंने आपको आगे भी बताया। ठीक है, मनके जो है वो जैस्पर नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे, मनके तांबे के भी बनाए जाते थे, मनके सोने के भी बनाए जाते थे, मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। इन मनकों का प्रयोग जो है वो मालाओं में किया जाता था, यह मतलब कि ये जो है बहुत सुंदर होते थे। मनके जो है वो हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता, ठीक है, तो मनके जो है वो क्या है हड़प्पा सभ्यता की एक मुख्य सभ्यता है, और इन मनकों का प्रयोग महिलाओं में किया जाता था, ये बहुत सुंदर होते थे, यानी कि हीरा वगैरह का जो प्रयोग है किसको दिया जाता था, बिल्कुल आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन मनकों का जो प्रयोग है वो मालाओं में किया जाता था, ये बहुत सुंदर होते थे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। देखिए,
यानी कि हरप्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण 1875 में क्या हुआ, इसी वर्ष हरप्पा ही मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट हुई, यानी कि इसी पर जो है हरप्पा जो है उसी पर यानी कि मुहर पर कनिंघम का जो रिपोर्ट है वो पब्लिश हुआ। दूसरा 1921 ईस्वी में क्या हुआ, माधव स्वरूप वत्स ने हरप्पा में उत्खनन का काम शुरू किया। किसने किया था, माधव स्वरूप वत्स ने जो है 1921 ईस्वी में हरप्पा का काम जो है शुरू किया, यानी कि एक प्रकार का उत्खनन किया। 1925 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का काम शुरू हुआ। 1925 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो में किसका काम शुरू हुआ, उत्खनन का, ठीक है। उत्खनन का काम कब शुरू हुआ आपको पूछा जाएगा अगर, तो 1925 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए 1946 में जो है आरियम वेहलर ने हरप्पा में उत्खनन का काम किया, ठीक है। आरियम वेहलर ने हरप्पा में उत्खनन का कार्य किया। 1955 में एमडी राव ने लोथल में खुदाई शुरू की थी, ठीक है। 1955 में किसने, एम आर राव ने लोथल में खुदाई शुरू की थी। उसके बाद बी बी लाल और बी के थाकर ने कालीबंगा में उत्खनन शुरू किया था, ठीक है। तो बी बी लाल बी के थापर ने जो है कालीबंगा में उत्खनन शुरू किया था। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 1990 ईस्वी में क्या हुआ, आर एस बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खनन शुरू किया, ठीक है। 1986 में क्या हुआ, अमेरिकी टीम ने हरप्पा में उत्खनन शुरू किया। 1980 ईस्वी में क्या हुआ, जर्मन तथा इटली का संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो की सतह से अन्वेषण शुरू किया। उसके बाद 1974 में एम आर मुगल ने बहावलपुर में खोज की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का समाप्त हो रहा है, द एंड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज जो भी पार्ट टू को नहीं देखे देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक ले जाइए, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।